place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down. Hello friends, welcome back to the channel. This is Sumit Gaur, your host and your dost. And today's vlog is very interesting. क्योंकि आज हम एक स्पेशल प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाले हैं और ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, पूरा हाथी है। तो जिसकी हम बात कर रहे हैं आप देख के आईडिया लगा चुके हैं ऑलरेडी। सो ये है महिंद्रा का थार और डीजल वेरिएंट है और हमारे कलीग हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली ली है और ये है मिस्टर तपेंद्र जी। हेलो फ्रेंड्स। सो अभी हम जानेंगे इनका रिव्यू, ओनरशिप एक्सपीरियंस। गाइज, मेरा जो उनसे पहला सवाल यही है कि ये ऑलरेडी एक महिंद्रा XUV500 ओन करते हैं और विच इज इन प्रीटी गुड कंडीशन, कोई इसमें इशू नहीं है, मैंने खुद उसको काफी चलाया है। सो तपेंद्र जी बताइए, आपको ये ही थार लेने का ही क्या पर्पस था, क्योंकि वो भी ऑफ रोडिंग काफी हद तक कैपेबिलिटी सॉल्व कर देती है आपकी। सुमित भाई, मेरे पास ये मेरी पांचवी गाड़ी है, जो मेरे पास अभी थार है, मेरे पास फोर्ड इको स्पोर्ट है, इनोवा है और ब्लैक कलर की XUV है और उससे पहले भी मेरे पास व्हाइट XUV थी। Okay. तो क्या हुआ कि सोते सोते सपने में आई थार, देन एंड देयर आई डिसाइडेड कि आई नीड टू बाय दिस कार। सो दिस इज नॉट अ कार, बेसिकली आई वुड नॉट से दिस इज अ कार, दिस इज अ पर्सोना, दिस इज हाउ यू लिव योर लाइफ। सो ये एक अलग ही, इस गाड़ी कैटेगरी अलग है, इसको आप हर आदमी इसको नहीं चला सकता, ना हर आदमी इसको ले सकता। दिस इज जस्ट फॉर योर पर्सोना, दिस इज जस्ट फॉर योर एंजॉयमेंट, दिस इज जस्ट फॉर योर living a king style life. Okay. But अभी मैं ये है जानना चाहता हूँ, बेसिकली आपके पास ऑलरेडी इतनी कारें हैं, सबसे सबसे ज्यादा कौन सी गाड़ी स्टाइप ड्राइव करना पसंद करते हैं आप? ये मेरे पास गाड़ियां हैं चार पांच, तो मैं वीकडेज में तो अपना XUV चलाता हूँ और बाकी सैटरडे संडे व्हेन आई नीड टू गो समवेयर आउट ऑन अ ट्रिप देन आई विल प्रेफर थार। सो जैसे मैं आपको गाइस एक चीज बताना चाहता हूँ, ही इज लाइक अ वर्किंग प्रोफेशनल एंड ऑल्सो ही इज अ एंथुसियास्ट इन ट्रैवलिंग। सो आप ऑफिस के लिए भी क्या रिकमेंड करते हैं कि थार डेली यूज के लिए सही रहेगा या फिर ओनली ट्रिप्स के लिए? नहीं, आप ले सकते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं ले सकते, थार ऑफिस जाने के लिए क्यों नहीं ले सकते, आप बिल्कुल ले सकते हैं थार ऑफिस जाने के लिए भी। सो इट्स एक्सपेंसिव कार, आप ले सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल चलेगी, ऑफिस में भी लोग लेते हैं और ऐसा नहीं है लोग नहीं लेते हैं। तो आप कौन सी प्रेफर करना चाहेंगे, जैसे डीजल या मैनुअल, आप जो बेटर रहेगा सिटी पर्पस के लिए? पहला कवर करते हैं सिटी के लिए। तो सिटी के लिए थोड़ा सा ये है कि हाँ, थोड़ा सिटी में गाड़ी बड़ी है, थोड़ा सा हैंडलिंग मैन्यूवरिंग इसकी थोड़ी सी और गाड़ियों के मुकाबले थोड़ी हार्ड है, तो सिटी के लिए आई वुड प्रेफर कि आप सिटी में चलाएं। अगर कोई किसी आदमी की प्राइमरी कार है तो ही डू नॉट हैव एनी ऑप्शन, उसको ये चलानी ही पड़ेगी, तो चलने को मना नहीं करेगी गाड़ी। लेकिन हाँ, जैसे मेरे पास है तो मेरे को XUV की मैन्यूवरिंग और उसकी मैन्यूवरिंग में बड़ा अंतर लगता है। बट हाँ, अगर आप कहीं आउटसाइड ट्रिप पे जा रहे हैं, इफ यू गोइंग टू मनाली और हिल्स और समवेयर एल्स टू राजस्थान और सम डेजर्ट प्लेस, ऑसम एक्सपीरियंस। ऑल्दो आई हैव नॉट बीन टू मनाली विद दिस कार, XUV से गया हूँ मैं अपनी से, इवन इको स्पोर्ट्स से आई वेंट टू नैनीताल एंड ऑल, तो एक्सपीरियंस वॉज गुड। बट इससे मैंने एक रोड ट्रिप अभी किया था ऑन एक्सप्रेस हाईवे, ऑसम फीलिंग ऑन द कार। गाइस, अभी हम आ चुके हैं एक लोकेशन पे और यहाँ पे थोड़ा विंड नॉइज कम है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं तपेंद्र जी से और आपसे शेयर करते हैं डिटेल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तपेंद्र जी, ये मॉडल आपका कौन सा मॉडल है, थार का है आपका? ये सुमित मेरा ये है डीजल मैनुअल हार्ड टॉप। ओके। ये इससे नीचे सॉफ्ट टॉप आता है, लेकिन ये मैंने हार्ड टॉप लिया क्योंकि सॉफ्ट टॉप सॉफ्ट मुझे पसंद नहीं आया। तो मेरा वही अगला क्वेश्चन था कि हार्ड टॉप ही क्यों, क्योंकि आजकल जो मैं देखा है जनरेशन काफी क्रेज है कि ऊपर से पूरा सनरूफ हटा के, सनरूफ बोल दीजिए या फिर ऊपर के जो सॉप टॉप होता है रिमूव करके, तब वो ड्राइव करना पसंद करते हैं। तो आपका रीजन उसमें, एक तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि गाड़ी में आवाज़ बहुत आती है, तो जो बेसिकली तिरपाल का बना हुआ है, तो तिरपाल में अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे या एक्सप्रेस हाईवे कहीं जाएंगे तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आएगी। ओके। तो उसी का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मैंने हार्ड टॉप प्रेफर करा और फिर बारिश बहुत ज़्यादा पड़ गई, तो उसमें दिक्कत हार्ड सॉफ्ट टॉप में हो रही थी, तो हार्ड टॉप इसलिए बेटर है। इसके ऊपर बेसिकली ऑटोमेटिक आता है। ओके। हार्ड टॉप ऑटोमेटिक, ये हार्ड टॉप मैनुअल है, ऑटोमेटिक में चाहिए नहीं था, क्योंकि एक तो ऑटोमेटिक, फिर अगर थार जैसी गाड़ी दे दी उसके ड्राइव का मज़ा ना लिया जाए तो मज़ा सिर्फ उसका
मैनुअल में ही था, ऑटोमेटिक में नहीं था। चलिए तो मैंने मैनुअल प्रेफर करा, मैंने कहा लेट्स गो फॉर मैनुअल। ओके चलिए, तो मैंने सही कहा क्योंकि जो लोग भी ज्यादा आजकल हिल्स पे जाते हैं, माउंटेन्स पे जाते हैं, तो प्रेफर करते हैं कि पूरा कंट्रोल के हाथ में ही रहे वो, ना कि कोई ECU डिसाइड करे कि कहाँ चलानी है, किस गियर में चलानी है। और अभी जो है रिसेंट जो थार परचेज करी है, तो मेरा एक क्वेश्चन और भी है कि आपको सिर्फ यही, इसके अलावा आपको जो XUV700 है वो भी मार्केट में ऑप्शन अवेलेबल है, सो आपने आप उस पर स्विच क्यों नहीं हुए? अभी मेरे को इस साल थार लेनी थी, तो मेरा अभी रिसेंटली तो अभी ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है कि मैं XUV700 लूँगा, लेकिन हाँ मैंने जो टेस्ट राइड ली तो मेरे को XUV700 बहुत अच्छी गाड़ी लगी जो फीचर वाइज एंड एवरीथिंग, बट हाँ अभी मेरे को XUV700 में कोई प्लान नहीं है लेने का, बिकॉज मेरी अभी XUV500 बिल्कुल नहीं है, नई गाड़ी है बिल्कुल। आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने इसमें कुछ कस्टमाइजेशन करवाए हैं? हाँ, मैंने जितने भी थार लवर होते हैं वो कस्टमाइजेशन ना करवाया ऐसा हो नहीं सकता। मैंने सुनो इसमें ये वैगनर वाली ग्रिल लगवाई है। ओके, नीचे इसमें स्किड प्लेट लगी है, ये इसमें फाइबर की आ रही, लेकिन मैंने मेटल की लगवाई है। ओके, ये करवाया और मैंने कुछ गाड़ी का अंदर इंटीरियर चेंज करा, इंटर चेंज कराया। तो आप लोगों को ज्यादा हार्ड मॉडिफिकेशन नहीं करा? मॉडिफिकेशन देखा, मैंने गाड़ी स्टॉक रखी है, ज्यादा इतना बहुत बड़ा मॉडिफिकेशन नहीं कराया। ओके ओके ओके, तो गाइस जैसे देख रहे हैं कि लुक जो है काफ़ी जीप रैंगलर से रिसेंबल कर रहा है, बट हाँ ये जो फर्स्ट मॉडिफिकेशन है ये काफ़ी लोगों को पसंद आती है, और रोड प्रेजेंस भी में भी ये एक इम्प्रूवमेंट ऐड करता है आपका। और जैसे एक क्वेश्चन मैंने सुना है और भी वीडियोस में, कि लोग कहते हैं कि जब हाई स्पीड पर चलाते हैं इस थार को, तो जस्ट बिकॉज के एरोडायनेमिक नहीं है तो विंड ब्लास्ट थोड़ा रहता है, तो क्या ये वाकई में थोड़ा सा है गाड़ी के साथ चैलेंज कि क्योंकि ये गाड़ी एरोडायनेमिक नहीं है, थोड़ा सा गाड़ी की अगर आप शीशे उतार दोगे तो गाड़ी की नॉइस आएगी, लेकिन उसके भी ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में। ओके, तो वो हम करा सकते हैं गाड़ी, तो उससे कोई आवाज़ गाड़ी के अंदर नहीं आएगी। फ्रंट में जो हवा लगती है उससे कोई आपको इशू रहता है? नहीं, उससे मेरे को उससे कोई इशू, विंड ब्लास्ट जैसे बोलते हैं। एक चीज़ बताइएगा, आपने ये जो गाड़ी अभी ली है, अभी कितना टाइम हो चुका है आपको लिए हुए? मैंने ये गाड़ी ली है सुमित 2021 दिसंबर में। सो आपको जब, जैसे सब लोग जानते हैं कि इसकी वेटिंग जो है एक एक साल तक की डिले है, सो आपको इतनी जल्दी कैसे मिली है? मैंने ये गाड़ी बेसिकली बुक करी थी 16 अगस्त को। अच्छा, अगस्त को आपका इंडिपेंडेंस, मेरे को गाड़ी 4-5 महीने मिल गई। ओके, सो आपने कुछ एडिशनल अमाउंट, जैसे मैंने कहा मैंने कोई एडिशनल अमाउंट नहीं। ओके, सो एक्सेसरीज वालों ने, उन्होंने फोर्स नहीं किया आपको कि आप 50,000 के एक लाख एक्सेसरीज में लगवाए? कोई नहीं था? ठीक है। सो गाइज, आप इस शोरूम का मैं आपको रिकमेंडेशन दे सकता हूँ, जैसे अभी तक का फीडबैक जो रहा है वो बेस्ट रहा है, तो मैं इस शोरूम की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और बाकी जो बातें हैं गाड़ी के बारे में और स्पेसिफिकेशन बारे में वो अंदर बैठ के हम चलते हैं और आप सब में शेयर करता हूँ। सो गाइज, अगला Q&A करने से पहले हमने सोचा क्यों ना चार जने इसमें बैठा के फिर चेक कराया जाए और पीछे कैसा कम्फर्ट लेवल है पीछे वाली सीट के लिए वो भी चेक किया जाए। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सबकी हाइट जो है 6 feet के अराउंड है, सो अभी बैठ सकते हैं और आप पीछे देख सकते हैं सब बैठ चुके हैं। सो लेग रूम वाइज स्पेस ठीक है, बट आइडियली इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, और आप इसको दो के हिसाब से ही मान के चलिए कि दो जनों के लिए ही बेस्ट है ड्राइविंग प्लेजर के लिए। पीछे भी आप देखोगे तो बैठ तो चुके हैं, बट चढ़ने उतरने में और लॉन्ग ट्रिप पे आपको दिक्कत कर सकता है। सो आप आइडियली कंसिडर कीजिएगा इसे, अगर आप दो जने हैं जाने वाले देन इट इज़ द बेस्ट। तो आप देख सकते हैं उतरने चढ़ने में थोड़ी दिक्कत रहती है। तो तपेंद्र जी, एक चीज और बताइएगा कि आपको उसका म्यूजिक सिस्टम कैसा लगा इस गाड़ी का? सुमित, म्यूजिक सिस्टम में मैंने कुछ नहीं छेड़खानी कराई है, इसका स्टॉक जो शोरूम से आया था इसका वही इसमें सिस्टम मैंने लगवाया हुआ है, लेकिन हाँ आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद दिस, क्योंकि मेरे को म्यूजिक का शौक तो है, लेकिन हाँ मेरे को गाड़ी की वारंटी के साथ या गाड़ी की कोई वायरिंग के साथ वो खेल नहीं करना मेरे को। लोग इसमें दुनिया भर की चीजें लगवा लेते हैं, हो सकता है कोई वायर कट हो जाए कुछ हो जाए, तो उसमें गाड़ी में दिक्कत आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ये काफी आफ्टर मार्केट अगर आप काम कराते हो तो उसमें दिक्कत आने की बहुत ज्यादा प्रबल उम्मीदें हैं, तो उससे बेटर है कि इसका म्यूजिक अच्छा है। मैं तो अगर गाना सुनाऊं कोई, लेट मी कनेक्ट माय फोन, गाइस आप चेक कर सकते हैं म्यूजिक थोड़ा। काफी डिसेंट है, काफी अच्छा है, अगर टिल द टाइम अगर आप कोई ज्यादा आप फ्रीकी हो जो आप बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक पसंद करते हैं, सो यू माइट नीड एन एम्पलीफायर, बट दिस इज सफिशिएंट आपका। सो और बाकी मैं इनसे जानना चाहता हूँ जैसे इनका लॉन्ग टर्म उस पर एक्सपीरियंस क्या रहा है लॉन्ग जर्नी पे। सो जैसे आपने बताया बॉडी रोल के बारे में, आपको और कोई अनकम्फर्टेबल? गाइस मैं एक चीज आप बताना चाहूंगा उससे पहले, जो तपेंद्र जी की जो हाइट है वो 6 feet हाइट है,
और डिस्पाइट ऑफ दैट मैं जानना चाहता हूँ कि बॉडी पेन या कोई नी पेन या कोई लॉन्ग जर्नी में, क्योंकि ये मैनुअल गियर है तो क्लच और ब्रेक फ्रिक्वेंटली यूज भी होते हैं सिटी में, जैसे यूज होते हैं, तो एक बार इनसे शेयर करते हैं, इनसे पूछते हैं इनकी जर्नी का। नहीं सुमित, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ बॉडी रोल वगैरह कुछ है, क्योंकि मेरी हाइट खुद 6 फुट है, तो ये भी मेरे पे बच रहा है, काफी स्पेस बचता है अभी, और मैं बिल्कुल सीट को भी काफी अपना फुल ऊपर करके चलाता हूँ, तो ऐसा बॉडी रोल या, क्योंकि ये गाड़ी गड्ढे भी नहीं बताती है, अगर आप कहीं स्पीड ब्रेकर या उसमें भी गाड़ी निकालते हैं तो बड़ी स्मूथली गाड़ी निकलती है, गाड़ी में से आवाज भी नहीं आती। सो गाइज, अब एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो सबके लिए होता है कि भाई गाड़ी देती कितना है। सो मैं वो चीज़ इनसे पूछना चाहता हूँ कि सिटी और हाईवे पे आपको कितना माइलेज मिल जाता है मैनुअल डीजल में। उसमें तो वैसे माइलेज की बात तो हमें इस गाड़ी को लेकर करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये गाड़ी माइलेज के लिए नहीं ली गई है ये सिर्फ और सिर्फ गाड़ी पर्सोना एक पर्सनैलिटी के लिए गई है। तो हाँ, वैसे अगर माइलेज की बात करते तो मेरे को सिटी में 13-14 एवरेज देती है, और लॉन्ग रूट में जो अभी तक मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे को 14-15 का एवरेज दिया है गाड़ी ने। और साथ में जो सर्विस वहाँ पे क्वालिटी इनको मिलती है वो टोटली सेटिस्फाइड है। सो अगर ये था आज बहुत इंटरेस्टिंग सेशन विद तपेंद्र जी, थैंक यू सो मच तपेंद्र जी। और अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस है इस गाड़ी के बारे में या और भी किसी गाड़ी के बारे में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मेरे नीचे इंस्टाग्राम आईडी भी आ जाएगी और साथ में तपेंद्र जी की भी आईडी भी मैं नीचे डाल दूंगा, तो आप पर्सनली भी उनसे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट व्लॉग जो है वो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम और भी कुछ अच्छी कार कवर करने वाले जो बहुत डिमांडिंग है इस टाइम में। सो आप बने रहिए मेरे साथ इसी चैनल पे और मिलते हैं नए व्लॉग में। टिल देन साइन ऑफ, बाय 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 गाइस, थैंक यू सो मच सुमित। ओके, थैंक यू सो मच तपेंद्र जी।